Assalamu alaikum friends, thank you to all my subscribers jinhone abhi tak subscribe kiya hai mujhe, unka bahut bahut shukriya jo mujhe watch bhi kar rahe hain. Thank you sabke liye, sabko bahut bahut. Aaj hum aaye chicken lollipops ke sath, to isko kaise banate hain chaliye dekhte hain. Inko banane ka tarika, pehle humne chicken wings liye hain jinko humne gosht utar ke ek jagah karwaya hai aur inko maine wash karke clean karke rakha hai. और अब इनको एक मैरिनेट करेंगे. एक्चुअली एक ही मैरिनेशन होती है लेकिन मैं दो उसको स्प्लिट करूँगी. तो मैरिनेट करने के लिए पहले मैंने सबसे पहले क्या लिया है, एक 2 टेबलस्पून रेड चिली सॉस लिया है और इसमें मैंने डाला है 4 टेबलस्पून टमाटो कैचअप. आप कोई भी टमाटो कैचअप ले सकते हैं. और इसमें ऐड किया है 2 टेबलस्पून शेजवान सॉस. आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, अगर आपको थोड़ा तीखा ज़्यादा अच्छा लगता है स्पाइसीनेस तो आप ऐड कर सकते हैं. 2 टेबलस्पून मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट इसमें ऐड कर लिया है. और इसमें मैंने किया है 1 टेबलस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर एंड 1 टीस्पून गरम मसाला. और इसमें सॉल्ट करेंगे ऐड अपने टेस्ट के हिसाब से. और ये सारा मैंने मिक्स कर लिया है अच्छे से. और ये मिक्स करने के बाद इसमें मैंने अपने चिकन जो लॉलीपॉप्स है वो मैरिनेट कर दिए हैं. और ये मैं इसमें डाल के कुछ अराउंड हाफ एन आवर तक इसको मैरिनेट करूँगी. आप चाहे तो ज़्यादा भी रख सकते हैं. इसको अच्छे से थॉरली लगाएंगे और इसको करेंगे इसमें मैरिनेट. तो ये मैरिनेशन मैं अलग क्यों कर रही हूँ, ये एक बार मैरिनेट हो जाए तो इसके बाद हम इस पर कोटिंग वाला मैरिनेशन लगाएंगे. वरना कुछ लोग क्या करते हैं, दे पुट एवरीथिंग इन दैट ओनली. अब मैं इसमें 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर डालूँगी और 2 स्पून डालूँगी मैं 2 टेबलस्पून में डालूँगी इसमें ऑल पर्पज़ फ्लावर एंड 1 और 2 टीस्पून में डालूँगी इसमें कॉर्नफ्लोर. और ये हमारी कोटिंग रहेगी क्योंकि ये हमारे मसाले को बाइंड करेगा, जो मसाला पकड़ेगा और जो उसको छूटने नहीं देगा ऑयल में. तो ये आप पहले भी ऐड कर सकते हैं या आपको मेरी तरह करना है बाद में भी ऐड कर सकते हैं, जो वरना पहले वाले मैरिनेशन में ऐड कर सकते हैं. और इसके बगैर मैंने ये 2 टीस्पून की कॉर्नफ्लोर की स्लरी बना के रखी है. और ये मैंने लिए हैं 2 से 3 टेबलस्पून केचप. और इसमें मैं ऐड करूँगी 1 टीस्पून विनेगर और इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून सोया सॉस. तो ये हो गया है. और इसके बगैर मैंने लिया है और शेजवान सॉस. और ये 2 टेबलस्पून शेजवान सॉस मैंने लिया है क्योंकि हम फ्राई करेंगे कुछ लॉलीपॉप्स वैसे ही खाएंगे और कुछ को थोड़ा हम मसाले में एक शेजवान सॉस जैसा मसाला बना के ग्रेवी बना के उसमें ड्राई कर लेंगे. ये देखिए ऑयल गर्म हो गया है, इसमें मैं अपने लॉलीपॉप्स एक एक करके डाल रही हूँ. और लॉलीपॉप्स जब हम डालेंगे तो थोड़ा मसाला कोट करते करते आप इसको राउंड राउंड शेप ताकि इसकी बॉल जैसी बने, लॉलीपॉप जैसे दिखे वो. तो ये मैं कोट, आप देख सकते हैं मैं कैसे उसको निकाल के ऐसा ले रही हूँ एंड देन आई एम पुटिंग इट 1 बाय 1. इसको करेंगे हम डीप फ्राई, एकदम गोल्डन रेडिश कलर आने तक फ्राई करेंगे और ज़्यादा हिलाएंगे नहीं, मसाला निकलने नहीं जाना चाहिए. वैसे भी होल्डिंग हो गई है इसमें बिकॉज ऑफ कॉर्नफ्लोर एंड मैदा. ये फ्राई होने के बाद हम निकाल लेंगे इनको बाहर. तो ये हो गए हैं बेसिकली यहाँ पर रेडी. आप चाहे तो इनको ऐसे ही सर्व करें या चाहे तो इनके साथ एक ड्राई ग्रेवी में इनको एक सॉस में रेडी करके भी सर्व कर सकते हैं. तो मैं यहाँ इसका एक सॉस बनाऊंगी ड्राई सा. 1 टेबलस्पून ऑयल में मैंने जिंजर और गार्लिक 2-2 टीस्पून चॉप डाला है और उसको थोड़ा रोस्ट किया. उसमें एक अनियन डाला है बड़ा चॉप्ड अनियन, इसमें ही मैंने डाला जब तक ये फ्राई हो गया. इसमें मैंने डाला है शेजवान सॉस जो हमने बना के रखा था साइड में, और ये टमाटो केचप जिसमें मैंने विनेगर और सोया सॉस डाला था वो भी इसमें ऐड करेंगे. इसको थोड़ा हल्का सा भुनेंगे 1-1 मिनट के लिए, ज़्यादा भुनना नहीं है. इसमें डालेंगे अपनी कॉर्नफ्लोर की सिलरी ताकि ये ड्राई हो जाए. ग्रेवी वाला हमको बनाना नहीं है, हमको ड्राई बनाना है ताकि इसमें एक शेजवान सॉस का ग्रेवी जैसा एक ड्राई जैसा बन जाए. तो ये हमने इसमें अपने लॉलीपॉप्स डाले हैं, इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे. एकदम अच्छी कोटिंग इसको इस पर लगानी है, कोट करना है इसको इससे. ये हम अच्छे से मिक्स करें और इसको करूँगी, इसमें ऐड करूँगी मैं कुछ स्प्रिंग अनियंस. ग्रीन पार्ट करेंगे ऐड, सिर्फ ऊपर से ऐड करेंगे. इसको भी थोड़ा मिक्स करेंगे
और ये देखिए ये कितना अच्छा कलर आया है। ये हो गए रेडी और इसको करेंगे सर्व। कुछ तो हमने इसी ग्रेवी में डाले थे जो हमने अभी सॉस बनाया था उसमें, और कुछ हमने एज इट इज़ रखे हैं, उनको मैं ऊपर से फॉइल लगा रही हूँ। उनकी डंडियों पे हम फॉइल लगाएंगे, थोड़ा डेकोरेट करेंगे उनको। ऐसा देखिए, ऐसा मैंने फॉइल लगाया है, आप चाहे तो लगाएं या स्किप करें। ये देखिए मैंने सर्व कर लिया है, कुछ ड्राई है और कुछ हमने जो ग्रेवी में बुन लिए थे। या आप दोनों स्टाइल से, दोनों वेज में आप बना सकते हैं, आपको जैसा अच्छा लगे वैसा आप बनाइए, ज़रूर बनाइए। डू शेयर, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल।